हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। मेरे पास ये रियलमी का लेटेस्ट डिवाइस रियलमी C12। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C12 के अंदर सिक्योरिटी सेटअप कैसे करें, पैटर्न लॉक कैसे लगाएं एंड फेस लॉक कैसे लगाएं एंड फिंगरप्रिंट सेटअप कैसे करें। जब आप कोई भी एक नया डिवाइस खरीदते हैं तो आपको उसके अंदर सिक्योरिटी सेटअप करना बहुत जरूरी रहता है, जिससे आपका डाटा सेफ रहे, कोई लीक ना कर सके। बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिक्योरिटी सेटअप कैसे करें। चलिए सिंपली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल लाइक किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना भूलें ताकि आपको अलग अलग वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। चलिए गाइस, हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली हम वीडियो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। हम वहाँ से आ जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा सेट लॉक पासवर्ड स्क्रीन पासवर्ड। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू का 2-3 सेकंड बाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा एंटर पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं, और आपको और कुछ पैटर्न डालना है तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिलता है अदर इंक्रिप्शन मेथड। सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करें यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा पैटर्न कोड। सिंपली हम पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से अपना एक पैटर्न डाल देते हैं। इसे हम यहाँ से करेंगे वेरीफाई। इस पर यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न लगा। अब ये पूछ रहा है ऐड फिंगरप्रिंट, जो हमें अभी नहीं करना है। यहाँ से आपके दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टर्न ऑफ पासवर्ड या मॉडिफाई पासवर्ड। यहाँ से अपना पासवर्ड ऑफ भी कर सकते हैं और मॉडिफाई करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं बैक, अभी हम कुछ नहीं करें। यहाँ से आपको देख सकते हैं आपको पैटर्न कोड लग गया। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड फिंगरप्रिंट। सिंपली हम फिंगरप्रिंट पर ऐड कर लेते हैं और अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप करेंगे। आपने जो पैटर्न डाल रखा है यहाँ से वो पैटर्न डाल देंगे और इसे कर देंगे हम ड्रॉ। ड्रॉ करते ही आपको ऑप्शन आ जाएगा पीछे से आप अपनी फिंगरप्रिंट को सेटअप कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फिंगरप्रिंट ऐड हो रहा है, ऐसे हम कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही आप देख सकते हैं हमें आपको ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको कंटिन्यू यहाँ से हमसे कर देंगे डन। हमारे फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट लग सके, आपके फिंगरप्रिंट बन ऑप्शन आ गया। आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन आ रहा है ऐड ए फिंगर पर क्लिक करके अपनी फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं मल्टीपल। हमें नीचे आपको ऑप्शन देखना है यूज फिंगरप्रिंट फॉर अनलॉक, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करें यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप लॉक, अपनी फिंगरप्रिंट से एक्सेस करना चाहते हैं इसे इनेबल कर दें। वहीं आपको ऑप्शन मिलता है प्राइवेट सेव, प्राइवेट सेव को अपनी फिंगरप्रिंट से इनेबल करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दें। यहाँ से हम चलते हैं बैक। बैक जाने के बाद हमारे पैटर्न लॉक लग गया, फिंगरप्रिंट लग गया, फेस लॉक। सिंपली हम ऐड फेस पर क्लिक करें और अपना फेस इनरोल करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा फेस इनरोल हो रहा है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर फेस लॉक भी लगा सकते हैं। हमारा फेस भी इनरोल हो गया है। यहीं आपको ऑप्शन देखने को मिलता है इनरोल फेस, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहीं आपको ऑप्शन देखने को मिलता है यूज फॉर, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप देख सकते हैं ऐप लॉक और प्राइवेट सेव, अपने फ़ोन से अनलॉक करना चाहते हैं तो इनेबल करते हैं दोनों को। मैं अपना नहीं करना चाहता, मैं ऐसे ही दूंगा। यहीं आपको ऑप्शन देखने में मिलता है स्क्रीन लॉक, ऑटो रखा, ऑटो ब्राइटनेस और डू नॉट रिकॉग्नाइज फेस विद क्लोज आई। जब आपकी आई क्लोज हो तो आपका फ़ोन आपकी आई से नहीं खुलेगा। तो चलिए हमारे फ़ोन के अंदर कंप्लीट सिक्योरिटी सेट हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं अपने जो काम कर रहे हैं नहीं। सिंपली हमने अपना फ़ोन किया लॉक, लॉक करके हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले अपना फेस लॉक। जैसे आप देख पा रहे हैं फेस लॉक से काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने फिंगरप्रिंट की। हम चेक करेंगे फिंगरप्रिंट से, आप देख पा रहे हैं हमारा फ़ोन फिंगरप्रिंट से एक्सेस हो रहा है। जैसे कि फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने पैटर्न कोड की। हमने पैटर्न डाल दिया और ये पैटर्न डाल दिया, पैटर्न से हमारा फ़ोन हो गया अनलॉक। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर कंप्लीट सिक्योरिटी सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और रियलमी C12 को आपको और कोई वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, मैंने वहाँ सारी वीडियो का लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।